एक बात बताइए, हमारे यहाँ मंदिर में कितना पैसा होता होगा आप बताइए? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, हद 50 लाख। 5.8 लाख करोड़ रुपीस का गोल्ड सिर्फ एक टेंपल से था, और वो जो इतना गोल्ड था वो आपकी पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी का गवर्नमेंट मतलब पूरी इकोनॉमी से ज्यादा है वो। ने जैसे कहा कि जय श्री राम, तो आज राम मंदिर की बात करेंगे तो मैं भी जय श्री राम बोलती हूँ तकबीर! आपको। और कोई नहीं बोल रहा है, या एक बंदा नहीं बोल रहा है, ढूंढना पड़ेगा आपको अपने साथ बोलने वालों को इस तरह की। देखो उल्टी जाएगा, मार करके उसको कुआं में ढकेल दूंगा। अरे बात है, मारना पीटना नहीं। जय श्री राम बोलो, बोलो चल बोलो अभी बोल। नारे तकबीर अल्लाह हू अकबर। लू हू हू कर रहे, मना कर क्या हो तुम? कौन मना कर रहा? तुम मिल जाओ। अरे देना, अरे देना। एक समय ऐसा था कि इस देश में अधिकतर मुसलमान 80% मुस्लिम बाबर के सपोर्ट में थे, बाबरी मस्जिद के सपोर्ट में थे। लेकिन भगवान श्री राम की महिमा बोल सकते हो कि अब उल्टा हो चुका है। 80% मुसलमान भगवान राम के पक्ष में आ गए हैं। 20% ओवैसी जैसे मौलाना ऐसे हैं जो आज भी वही राग अलाप रहे हैं। अभी एक पत्रकार ने एक मुस्लिम से पूछा, और वो आप यकीन नहीं करोगे, उस भीड़ में उस मौलाना ने अल्लाह अकबर के नारे लगाए और वहां पर किसी भी मुस्लिम ने उसका साथ नहीं दिया, वो अकेला ही चिल्लाता रहा। और दूसरी तरफ ये पाकिस्तानी ये देख देख के ये हाय तौबा मचा रहे हैं। एक तरफ जो ये मुसलमान के नाम पे प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि उसके साथ भारत में अत्याचार हो रहा है और उसके नाम पर वहां के जनता को, वहां के पब्लिक को गुमराह करते हैं, वहीं दूसरी तरफ जब पाकिस्तानी लड़कियों को पूछा गया कि तुम्हें पता है कि हिंदू मंदिर के अंदर कितने चढ़ावे आते हैं, कितना सोना, कितना पैसा है, तो उसने बोला हाँ 5-10 लाख आते होंगे। लेकिन वो ये सुन के शॉक्ड हो गए कि सिर्फ एक मंदिर के पास इतना पैसा है, इतना दान आता है कि तुम्हारा पूरा पाकिस्तान उससे खरीदा जा सकता है। आप देखिए इस वीडियो में। सच बताइए ना कि राम मंदिर बनने से हमारा राज, हमारे पास पैसा आया है, उसको तोड़वा दिया। पहले मस्जिद था, मस्जिद तोड़ा, पहले मंदिर था, अब कुछ भी हो, उससे पहले मंदिर, मस्जिद था, उससे पहले मंदिर नहीं था, अब मस्जिद, मस्जिद था। गुड, क्या नाम है साहब? नारे तकबीर, अरे अल्लाह अकबर। क्या होगा इससे? इससे क्या होगा? आप वो कर रहे हो ना, तो कराओ, नारा लगा रहे हो, उसको तो नहीं बोल रहा। इससे नारा लगाने से बात तक वीर कर रहा हूँ, बिल्कुल अच्छी बात है। तो फिर लेकिन जो कन्वर्सेशन, ये क्या कोई ऐसे नारा लगाने लगे? अच्छा नहीं, वो भी नारा लगाया ना, उधर नहीं था तो नहीं बोला। मैंने रोका था, अरे नहीं रोका था, मीडिया बेच चुकी है, क्या खरीदी? अगला जय श्री राम बोलो, बोलो चल बोलो अभी बोल। नारे तकबीर अल्लाह अकबर। लू कर रहे, मना कर क्या हो तुम? कौन मना कर रहा? तुम मिल जाओ। कहाँ मना किया? अली मना किया है, अगले को दबा रहे हो, किसी को अगले को उठा रहे हो, क्यों? किसी को नहीं दबाया गया। शहीद असमारा भी दिखाओ, देखो फिर जा रहे हैं, उल्टी जाएगा, मार करके उसको कुआं में ढकेल दूंगा। मार पीटना ना, ये सब गंदी बात है, मीडिया बेच चुकी है भाई साहब, गंदी बात है, मारना पीटना नहीं। अरे वहाँ पहले मंदिर नहीं था, मस्जिद था, मंदिर थे, मंदिर थे, मंदिर थे, मंदिर रह गए। अल्लाह को स्वागत करो, पहले मस्जिद थी, नहीं थी नहीं थी कभी नहीं। नारे तकबीर नहीं बोल रहा है, या एक बंदा नहीं बोल रहा है, ढूंढना पड़ेगा आपको अपने साथ बोलने वालों को इस तरह की। देखो आज है, आज हम बात भी राम मंदिर की ही करेंगे, और आपने जैसे कहा कि जय श्री राम, तो आज राम मंदिर की बात करेंगे, तो मैं भी जय श्री राम बोलती हूँ आपको। और आई डोंट थिंक इसमें कोई गलत मतलब है कि लोग मेरे पीछे पड़ जाए, आई डोंट थिंक, ये ग्रीटिंग्स ही हैं एक तरह की, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं सही बता रही हूँ ना नाजिया, इसका मतलब ग्रीटिंग्स तो कह सकते हैं, आप कह सकती हैं, बट हमारे लिए ये आस्था है, विश्वास है हमारे लिए। हाँ बिल्कुल ठीक। यूं ही नहीं राम मंदिर बन रहा है, बिल्कुल नहीं। उस दौर के हिंदुओं में जुनून था, उस दौर के हिंदुओं में आस्था थी, विश्वास थी, श्रद्धा थी, और साथ साथ प्रभु राम का आशीर्वाद था, और तब जा करके ना जाने कितने लोगों ने अपना खून बहाया है, और तब जा करके 22 जनवरी को रामलला अपने जन्म स्थान पर वापस आ रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के मुसलमान जज ने ये बात कही थी कि आपको साबित करना पड़ेगा कि वो जो जगह है वो भगवान राम के का जन्म स्थान है। तो जगत गुरु रामभद्र आचार्य ने राम जी के पक्ष में वेद और पुराण से 441 प्रमाणों को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। अब वो जो मुसलमान जज थे वो उनको भी थोड़ा सा लगा, वो कहें कि नहीं, हम तो इसको नहीं मानेंगे, अब आप इसको वेदों और पुराणों से साबित कीजिए। जगत गुरु रामभद्र आचार्य को कांग्रेस ने अरेस्ट करवाया, कांग्रेस ने जेल भिजवाया, कांग्रेस ने
उनके ऊपर लाठी चार्ज करवाई। हमारी एक शारदा माता का टेम्पल कश्मीर में है, उसको कॉफी होम बना दिया गया, कॉफी होम आपके यहाँ पर। उस मंदिर को कुछ ना करें, जो वो दीवारें हैं ना, बस उतनी दीवारों तक हमें जाने का मौका दे दें। हिंदू की आदत है माथा टेकने के बाद पैसे चढ़ाता है, और वहां डॉलर चढ़ेंगे, ट्राई तो करें। हमारे यहाँ एक मंदिर के आसपास, अच्छा एक बात आइए, हमारे यहाँ मंदिर में कितना पैसा होता होगा आप बताइए? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, हद 50 लाख। सर मैंने पता नहीं कहाँ से सुना था, मुझे वो मतलब पिक्चर मेरे जहन में पूरी नहीं आ रही है। मैंने सुना है कि जो ये इंडिया में टेम्पल्स हैं उनकी तहों में गोल्ड पड़ा होता है, उनकी तहों में मतलब उनके बेसमेंट में पूरी पूरी जगह वो गोल्ड से भरी होती है, तभी तो इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता है। तभी आप लोगों को मौका मिले ना तो इंडिया आए, और इंडिया आकर तिरुपति बालाजी मंदिर होके आए, और ये साउथ के, तो वहां आपको एक तालाब मिलेगा, वो हमारी मन्नत जो भी पूरी होती है तो उसमें हम कुछ ना कुछ गिफ्ट दे के आते हैं, मतलब चढ़ा के आते हैं, तो वहां आपको दिखेगा हाथों के मोटे कड़े चेन्स और जो भी उस टाइम पर होता है वो सारा उसमें डाल दिया जाता है। ठीक है, आप कभी वैष्णो देवी मंदिर जाएं तो वहां पर एक जो दान पात्र होता है उसमें आपको नोट कम और गोल्ड ज्यादा मिलेगा। वी यूज टू डोनेट गोल्ड। वो चोरी नहीं होता क्या? कौन सा चोरी होगा? पाकिस्तान में तो मस्जिदों के बाहर से जूते चोरी हो जाते हैं, वहां सोना भी। सर रफ चप्पलें चोरी हो जाती हैं, यकीन करें। ईद की नमाज मेरे बाबा पढ़ने पर के लिए जाते थे ना आज 2 साल पहले, तो यकीन करें वो रफ चप्पल ईद वाले दिन पहन के जाते हैं कि कहीं चोरी हो। हाँ तो मस्जिद के अंदर जो कूलर, पानी वाला कूलर होता है, उसके साथ भी जंजीर में ताला बंधा होता है कि ग्लास कोई ना उठा ले। हमारे यहाँ साउथ में एक पद्मनाभ स्वामी मंदिर के गेट्स खुले थे, गेट्स तहखाना जो होता है ना मंदिर के नीचे, उसमें गेट्स खुले थे, तो 6 स्टोर थे, ट्रेजरीज थी, जिनमें से 5 का गोल्ड निकला था, और 5 में 5.7 या 8 लाख करोड़ रुपीस का गोल्ड था। 5.8 लाख करोड़ रुपीस का गोल्ड सिर्फ एक टेंपल से था, और वो जो इतना गोल्ड था वो आपकी पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी का गवर्नमेंट, मतलब पूरी इकोनॉमी से ज्यादा है सिर्फ एक मंदिर में। वो एक मीम है, ए देना। सिर्फ एक मंदिर का सोना, एक मंदिर का पैसा इतने लाख करोड़ है, तो आप समझो कि कई लाख मंदिर इस देश में है। सिर्फ मंदिर का पैसा अगर इकट्ठा किया जाए तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी उसमें समा सकती है। इतना पैसा, इतना धन और इतना सोना है भारत के टेंपल में। जबकि जब अंग्रेज आए थे, मुगल का शासन था, तो वो लोग भारत को, मतलब जिसको सोने का चिड़िया कहा जाता था, उसको उस लोगों ने बहुत लूटा, सभी सोने चांदी हर चीज़ यहाँ से ले गए। उसके बावजूद भी भारत में इतना सोना, इतना पैसा अभी है, तो आप एक बार सोच के देखो कि उस समय पर कितना पैसा रहा होगा। बाकी इन पाकिस्तानी लड़कियों के मानसिकता पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, और मुसलमान जिस तरह से बाहर आ रहे हैं प्रभु राम के सपोर्ट में, आप अपना प्रतिक्रिया नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।